हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हैं ईश्वरी फ्रूट्स के दुकान में, जिसके ओनर है मिस्टर अर्जुन वाडकर जी, जिनसे हम इस बिज़नेस के बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे फल का बिज़नेस किया जाता है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, कितना पैसा मिलता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। सर हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं वो फल की दुकान शुरू करना चाहते हैं, तो इस बिज़नेस के बारे में हम आपसे थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके। सर थोड़ा आपके बारे में जानेंगे, आप कितने दिन से ये बिज़नेस कर रहे हैं? अभी तो 2-4 महीने हुए हैं। 4 महीने हो गए आपने ये फल का व्यापार शुरू किया है? शुरू किया, पहले सब्जी का था, अभी अच्छा फल का चालू। अच्छा पहले सब्जी का था, अभी सब्जी का बंद किया, अभी फल सब्जी का भी चालू है। अच्छा, लेकिन अभी काम धंधा कुछ भी नहीं, इसलिए फल का भी चालू किया। फल का भी चालू किया। सर किराए की दुकान लेके फल का व्यापार करना, क्या ये कोई आदमी कर सकता है? आराम से कर सकता है, आराम से कर सकता है। खाली पहले थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, कभी फल खराब हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। हाँ, लेकिन किराए का दुकान लेके कर सकता है। अच्छा सर अगर कोई किराए का दुकान लेके ये बिजनेस फल का व्यापार करना चाहता है तो कितना भाड़ा वो भर सकता है एक महीने में? एक महीने में कम से कम 10,000 रुपये तक भाड़ा भर सकता है। हाँ हाँ, मतलब शुरू शुरू में। हाँ, ये मेरे जितना छोटा सा दुकान होगा तो 10,000 भाड़ा देने में दिक्कत नहीं। आपने भी भाड़ा लेके ये चालू किया? हाँ, अभी भाड़े से ही चालू है, मुझे भी 10,000 रुपये भाड़ा ही। अच्छा, आपको भी यहाँ पे 10,000 भाड़ा? 10,000 रुपये भाड़ा। और सर फल का दुकान शुरू करने के लिए एक अच्छा लोकेशन कौन सा होता है? अच्छा लोकेशन बोले तो ऐसा चौक रहना चाहिए, कस्टमर को गाड़ी लगाने के लिए जगह चाहिए। हाँ हाँ, रुकने के लिए जगह चाहिए आगे आपके, कस्टमर उधर से भी आया तो दिखना चाहिए, इधर से भी आया तो दिखना चाहिए, नीचे से भी आया तो दिखना चाहिए। सब जिधर से भी आए तो दुकान अपना दिखना चाहिए। तो जैसा मेन रोड पे दुकान होना चाहिए, थोड़ा चौक में होना चाहिए, बराबर थोड़ा सा चौक में होना चाहिए। और सर अभी इसके साथ कोई और साइड बिजनेस कर सकते हैं, जैसे अभी इतना भाड़ा भर रहे हैं तो क्या इसके साथ और कोई चीजें हम बेच सकते हैं? फल के दुकान में बेच सकते हैं ना अपना खजूर, ये जूस, फ्रूट डिश, कुछ भी कर सकते हैं, जितना फल के हिसाब से बन सकता है ना, तो सब बेच सकते हैं आप। और सर ये जो फल जो आते हैं दुकान पे, तो ये फल क्या फल विक्रेता को खुद जाके लाने पड़ते हैं या कोई लाके आपको देता है? लाके भी देते हैं और खुद भी जाके लाते हैं। लाके देने वाला जो फल है ना वो खाली अभी आना एक ही साइज लेके आते हैं और मार्केट खुद गए तो सब देख के लाना पड़ता है ना, बराबर जो अच्छा दिखे वही लेंगे ना, बराबर। अभी वो लाके देने वाला का क्या करेगा, ऐसा एक ही अभी आप पहले ये ऐसा एक ही लेके आएगा, हम खुद जाएंगे तो सब चुन के लेके आएंगे, कुछ नया दिखे तो नया लेके आएंगे, मार्केट गया तो सब अच्छा मिलता है ना उधर, बराबर। तो अगर अच्छा व्यापार करना है तो खुद जाके लाएंगे तो अच्छा होगा, बराबर। रेट भी रोज का रोज अभी देखो, पेरू का रेट रोज का रोज चेंज होता है, सीताफल का रेट रोज का रोज चेंज होता है, बराबर। ऐसे जो कोई चीज है आपने इधर ही होने वाले उनमें थोड़ा कम ज्यादा होता है, और वो ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसमें एक ही रेट रहता है, फिक्स एक ही रेट रहता है। सर फल का दुकान शुरू करने के लिए, एक स्टॉल शुरू करने के लिए लगभग कितना पैसा लगता है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है शुरू में? वो तो अपने ऊपर है। हाँ हाँ हाँ, तुम शुरू में कम से कम अभी जितना मेरा माल है, हाँ हाँ हाँ, अभी मेरे हिसाब से मेरा माल 30-35,000 रुपए का मेरा माल है, 30-35,000 का माल। हाँ, शुरू में 10,000 में भी शुरू होता है और जितना ज्यादा करेंगे उतना खर्चा ज्यादा आएगा, ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा खर्चा आएगा। अभी आपके दुकान में लगभग 35,000 रुपए का माल है। हाँ, और सर अभी आप ये फल का इतना बड़ा दुकान चला रहे हैं, इतना पैसा आपने लगाया हुआ है, तो आप सिर्फ कस्टमर्स को भी माल बेचते हैं या किसी होटल में यहाँ पे सप्लाई का भी काम करते हैं या कर सकते हैं? हम खाली कस्टमर की होम डिलीवरी दे सकते हैं। अच्छा, होटल वाले जो है ना उनको कम रेट में चाहिए होता है। हाँ वो अभी क्या करते हैं वो लोग, ये एप्पल है इसमें का वो सस्ता वाला ढूंढते हैं ना, इसलिए आप लोग को नहीं ना पड़ता है, खाली हम लोग होम डिलीवरी देते घर जाके फोन नंबर लेके सब। हाँ हाँ, होम डिलीवरी दे सकते हैं लोगों को। हाँ, होटल वगैरह सप्लाई का काम नहीं करते नहीं, तो नहीं। उनके लिए अलग सा अलग क्वालिटी का माल लगता है, हल्का क्वालिटी का माल लगता है। हाँ, होटल वाले जो ये बनाते हैं ना उनको थोड़ा हल्की क्वालिटी का माल हम बेचने के लिए लाते हैं, एक नंबर वाला लाते हैं, क्योंकि कस्टमर अपने ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि ये खराब निकला, ये ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं ना चलेगा। बराबर, हम एक नंबर वाला ही माल लाते, जाके चुन के अपने हाथ से लाएंगे तो अच्छा ही मिलेगा ना। बराबर,
सर ये जो स्टॉल पे मिलने वाले जो फल होते हैं और जो थैले पे मिलने वाले फल है, उसमें क्या फ़र्क रहते हैं? फर्क बाकी कुछ नहीं है। ये अभी ये जो एप्पल है ना, ये आपने इंडियन एप्पल का सबसे बेस्ट क्वालिटी का एप्पल है। बराबर, ये वाला बराबर। जो इसमें का जो चुना हुआ निकला हुआ माल जो रहता है, सेम वैसे ही दिखता है, यही साइज रहता है, खाली वो अंदर से काला निकलता है, ऐसा कुछ भी डैमेज हुआ माल वो सस्ता बेचते और थैले पे बेचते। तो थैले पे माल जो मिलता है वो कभी कभी ख़राब निकल सकता है? निकल सकता। स्टॉल पे वैसा माल होता है? नहीं होता है, क्योंकि तो अभी हमें कैसा रहता है, इधर अभी हमारे पास रोज का कस्टमर आता है ना। बराबर। रोज का इधर का ही कस्टमर आता है, बाकी नए ना आता है। बराबर। वो हाथगाड़ी वाले क्या करते हैं, आज इधर गए तो कल उधर जाएंगे, एक जगह पे नए ना रहेंगे। थोड़ा बहुत हल्का माल दिया तो चलता है उनको। आपको एक ही जगह पे बैठना है तो आपको हल्का माल देंगे तो कस्टमर आपके पास वापस आएगा? वापस नहीं आएगा। हाँ, और वो खराब माल भी लेके आएगा आपके पास, हो सकता है? हाँ, अभी आते हैं। हाँ, ये एप्पल खराब निकला बोल के आते हैं, मैं एक्सचेंज करके देते हैं उनको। तो इसके वजह से उनका रेट थोड़ा कम रहता है आपका? हाँ, थोड़ा हमारा ज़्यादा रहता है। अभी सर हम जैसे देख रहे हैं, अभी ये अनार है, थोड़ा सूखा हुआ है, तो इससे दुकानदार का थोड़ा नुकसान होता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए दुकानदार को? कुछ नहीं, वो अभी देखो ना, अभी मैं क्या करता हूँ इसको, ये ऊपर का निकालने का और छोटे छोटे पैकेट बनाने का, और ये अनार का कितना वजन है, अभी आधा किलो में एक पैकेट भरेगा, उस हिसाब से इसका 60-70 रुपये ऐसा लेता है। दो इसमें से 300 ग्राम दाना निकला ना, इसमें दाना अच्छे है, खाली ऊपर से सूख गए, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, मतलब इसको छील के दाना निकाल के आप उसको बेचते हैं? हाँ, बेचते पैकेट बना के, पैकेट बना के बेचते हैं। हाँ। तो अभी ये ऐसा, तो अभी ये क्या रेट बेच रहे हैं अभी फिलहाल? अभी ये 100 रुपए के। 100 रुपए और दाना निकाल के बेचेंगे तो वही रेट बेचेंगे। अभी इसका वजन करेंगे, अभी तीन अनार का कितना, आधा किलो होगा, 100 रुपए हिसाब से कितना होगा, 50 रुपए, इसमें से बराबर 50 रुपए का पैकेट भर के बेचते हैं। आज का रोज खराब भी नहीं होता है। अभी आज कस्टमर कम है तो कल क्या होता है, वो आपका थोड़ा सूख जाता है, ऐसा वैसा तैयार हो गया तो भी बेच, ये हो जाता है, वो जाता है, मन जाता है, खराब नहीं होता, खराब नहीं होता। अभी शुरू में नया धंधा चालू किया तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन बाद में नहीं, क्योंकि क्या करने का, अभी जिसको तैयार पीरू चाहिए तो उसको फोन करके बोला के देते हैं कि आज सेट तैयार हो गए, चाहिए तो लेके जाओ। बराबर। तो आपके पास आपके ग्राहक के नंबर भी आकर रखते हैं? हाँ, अगर कोई कस्टमर तैयार माल चाहिए तो उसको आप फोन करके माल देते? हाँ, माल देते, तो वैसे ज़्यादा खराब होता नहीं? खराब होता नहीं। सर, फल के व्यापार में एक नए दुकानदार को सफल होने के लिए किस प्रकार से काम करना जरूरी है? खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो फल जो है ना, वो अपना खुद ही लगाने का, वो अच्छा लगाने का, और बाद में कस्टमर से बात करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा रखने का, कस्टमर से बात करते टाइम अपना आराम से बात करने का, उनको समझा कि अभी एप्पल है ये सॉफ्ट है या कड़क है, ऐसा बोल के कस्टमर को ये करके उनको सब बता के देना पड़ेगा, क्योंकि वो बाद में कस्टमर आ सकता है ना, एक बार अपने पास आ गए तो दोबारा आना चाहिए, ऐसा बोल के ये करके माल अच्छा देके तो सफल हो सकता है। और सर, ये फल के व्यवसाय में एक अच्छा सीजन कौन सा होता है या फिर ऑफ सीजन कौन सा होता है? फल के व्यवसाय को कोई सीजन नहीं है, कौन सा हमेशा चलता रहता है, 12 महीने कभी भी चलाओ चल सकता, बारिश वगैरह रहेगी तो भी चलता है, बारिश में भी चलता है, चलता है। बराबर। और सर, अभी जैसा आपने बताया 10,000 रुपये इसका आप महीने का भाड़ा भर रहे, तो ये भाड़ा निकालने के लिए, खर्चा निकालने के लिए लगभग कितना धंधा होना जरूरी है हर रोज? 5-6 हज़ार, 6-7 हज़ार रुपये हो गए तो भी ये हो जाते हैं, 6-7 हज़ार रुपये। खाली शुरू में थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है, 8-15 दिन दुकान डाला है बोल के सबको मालूम पड़ने तक 8-15 दिन थोड़ा सा ये हो जाता है, और बाद में एक बार रूटीन बैठ गई ना तो चलता है अपना, चलता है। 5-6 हज़ार रुपये धंधा हो गया तो भाड़ा निकल जाता है, निकल जाता है। और सर, ये फल के व्यापार में दुकानदार को लगभग कितना प्रॉफिट मिलता है, जैसे अनार के पीछे या एप्पल के पीछे? एप्पल के पीछे देखो, 1 किलो के पीछे 20 रुपये मिलता है, 20 रुपये मिलता है। बराबर। सब जाके 20 रुपये मिलता है। और अनार के पीछे वगैरह? अनार के पीछे अभी अनार मैंने 75 रुपये से खरीदा 75 रुपये से खरीदा 100 रुपये बेचने 100 रुपये बेचने
तो लगभग 25-30% इसमें प्रॉफिट मिलता है। और सर ये फल का दुकान अगर अच्छा चलता है तो लगभग कितना पैसा इसमें मिल सकता है एक महीने में? पैसा एग्जैक्ट बता नहीं सकते क्योंकि रोज का रोज मार्केट का रेट बढ़ सकता है, कम हो सकता है, बढ़ सकता है, कम हो सकता है। आपका रूटिंग चलता है, घाटे में नहीं जाएगा। तो फिर भी कितना पैसा लगभग एक अंदाजन आंकड़े में बोलेंगे? अंदाज महीने का क्या? हाँ महीने का 20-30 हज़ार रुपये मिल सकते हैं। मिल सकते अगर दुकान अच्छा चला तो। अच्छा चला 20,000 रुपये मिल सकते हैं। 20,000 रुपये आराम से मिल सकते हैं। आम के सीजन में थोड़ा अच्छा पैसा मिलता है? हाँ मिल सकता है आम के सीजन में। अभी आपने तो अभी नया चालू किया तो आपका आम का सीज़न अभी तक आए ही नहीं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले सर को थैंक्स कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम रेगुलरली अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स पे वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।